नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाना है और तैयारियां जो हैं वो आखिरी दौर में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी। सर, किस तरीके से तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं? आपने खुद अभी तमाम स्थितियों का जायजा लिया, क्या कुछ होना है कार्यक्रम के दौरान? नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर हमने पहले भी बताया है कि ये 100 वर्ष का सफरनामा बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष का माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से यहाँ पर शताब्दी स्मृति स्तंभ और बोधि वृक्ष का शिशु पौधे का रोपण है। सभा का कार्यक्रम होगा, इसमें हमारे वर्तमान पूर्व कई माननीय सदस्य उपस्थित होंगे, राज्यसभा के भी सांसद रहेंगे। तो ये ऐतिहासिक क्षण है कि इस विधानसभा के अंदर जो सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो देश दुनिया को प्रभावित किया, इसके निर्णय संविधान के अंदर प्रथम संशोधन हुआ, यहाँ की कई ऐसी निर्णय पूरा देश ने स्वीकार किया, वो सारे विषय को स्मृत और नौजवानों को प्रेरणा भी मिलेगा अपने ऐतिहासिक विरासत पर। उसे गर्व भी महसूस होगा, इस विरासत को आगे बढ़ाने का उनको प्रेरणा भी प्रदान होगा। चलिए, ये थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, जो कि तमाम जो चीज़ जो है वो किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा ले रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, जब विजय सिन्हा जो है वो जायजा ले रहे थे जहां पर स्मारक लगाया जाना है और जहां पर बौद्धिक वृक्ष लगाया जाना है, वहां पर जा जाकर अधिकारियों से मालूम कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते दिख रहे हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जो हैं वो अपने परिसर से बाहर आए और उन सामग्रियों को देखा जिसके ज़रिए बौद्धिक वृक्ष का जो है वो रोपण होना है। दरअसल देखिए, ये बर्तन है, आप देख रहे हैं कि इसी बर्तन के सहारे, या कहें कि आप वाटर कैनन देख रहे होंगे, जब बौद्धिक वृक्ष, जब महामहिम राष्ट्रपति जब बौद्धिक वृक्ष लगाएंगे बिहार विधानसभा परिषद में, तो क्या क्या चीज़ उपकरण वहाँ पर मौजूद होगा, वो तमाम चीज़ों का जायजा लिया और साथ में अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। तो कुल मिला कहें कि अंतिम दौर में तैयारियाँ चल रही हैं, दिन रात तैयारियों को लेकर काम जो है वो बिहार विधानसभा में हो रहा है। और एक बार फिर जाते जाते आपको वो विजुअल्स दिखा दे कि कितना सुंदर रोशनी से नहाया हुआ अद्भुत बिहार विधानसभा का परिसर जो है वो दिख रहा है। कल देश के महामहिम यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आएंगे और परसों शताब्दी समारोह जो है वो बिहार विधानसभा में होगा। उससे पहले दिन रात तैयारियां हो रही है, खुद कमान जो है वो तैयारियों को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ले लिया है अपने खुद हाथों में। और जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कार्यक्रम के जरिए युवाओं को सकारात्मक संदेश जाएगा और संदेश ये जाएगा कि आज की पीढ़ी को ये बताया और ये दिखाया जाएगा कि उनके माननीयों ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या काम किए, इस ओर भी इंगित होगा ये कार्यक्रम। और जो पूर्व MLA हैं, पूर्व सांसद हैं, बिहार के पूर्व MLC हैं, तमाम लोगों को खुद विजय सिन्हा ने फ़ोन करके आमंत्रित किया है और करीब 1500 लोग जो हैं इस कार्यक्रम में आएंगे। तो कुल मिला कहें कि यह कार्यक्रम जो है वो अपने आप में बिहार के लिहाज से भव्य होने जा रहा है और इसकी तैयारी भी जो है ना वो पूरी तरीके से भव्य तौर पर दिख भी रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।